हेलो एवरीवन, आज मैं बताता हूँ आपको थ्री ऐसी टिप्स जिसको आप अपने डेली रूटीन में अपना के अपने वेट को लूज कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी अपनी फिटनेस को अचीव कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया था और देख सकते हो मेरा भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जो कि नेचुरल एंड बहुत ही अच्छा था। मैंने पहला जो टिप्स था, मैंने ट्राई किया था कि रात में मुझे खाना कम खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स पे फोकस करना है और मार्केट में जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उस पे फोकस करना है, मुझे चाहे रूटीन वाइज खाना पड़े या जैसे भी खाना पड़े मुझे सारी सब्जियां खानी है और फ्रूट्स भी खाते रहना है। तो ये था मेरा पहला टिप्स। और सेकंड टिप्स मेरा ये है कि मैं मॉर्निंग में उठ के सुबह 2 से 4 गिलास हल्का गर्म गुनगुना पानी पीता हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में अंडे वगैरह जो भी लेना होता है ले लेता हूँ। बट मेरा सेकंड टिप्स यही रहेगा कि आप लोग भी सुबह उठते ही गुनगुना हल्का गर्म पानी ज़रूर पिए और इसे कुछ समय तक ही नहीं, लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आपको पीते रहना है और आपको एक हैबिट बना लेनी है कि आप ना चाहते हुए भी ऐसे ही पीते रहें। और थर्ड मेरा टिप्स है ये है कि आपको कुछ भी खाने के बाद पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अगर आप रिसर्च करोगे गूगल पे कहीं भी, तो हम जब खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत सारा पानी पीते हैं, वो भी ठंडा पानी पीते हैं, गर्म भी नहीं होता। तो आप लोग भी अगर वाटर पीना है तो खाने के 45 मिनट बिफोर पिएं और खाने के पहले अगर आपको पानी पीना है तो करीब 1 घंटे या 45 मिनट पहले पिए, और अब खाने के बाद तो आपको पानी पीना ही नहीं है 45 to 1 hour तक। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में, आपके फिटनेस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दिखाई देंगे और आप लोग भी बहुत अच्छी मोटिवेट हो जाएंगे अपनी फिटनेस से, अपने डेली रूटीन से। ये तीनों टिप्स अप्लाई करें, सुबह उठते ही हल्का गुनगुना गर्म पानी पिए, खाना खाने के बाद 45 मिनट के बाद पानी पिए और रात के खाने को अवॉइड करें, कुछ खाना ही हो तो ऐसा खाना खाएं जिसमें कैलोरी कम हो। सो दैट्स ऑल, सो थैंक यू।